खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री करण देव कांबोज ने शनिवार को इंद्री विधानसभा क्षेत्र के गांव इंद्रगढ़ और बीड़ भादसों में करीब 3,60,00,000 रुपए की लागत से संपन्न हुए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि इंद्री हलके के पटेव गांव में करोड़ों रुपए की धनराशि से विकास कार्य करवाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों ने मंत्री करण देव कांबोज को सम्मान का सूचक पगड़ी शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। उन्होंने गांव बीड़ भादसों में किक बॉक्सिंग नेशनल स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को भी सम्मानित किया। रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्यों के उद्घाटन अवसर पर गांववासियों में मंत्री करण देव कांबोज को विश्वास दिलाया कि वे भविष्य में भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मंत्री करण देव कांबोज ने गांव इंद्रगढ़ में 2,64,00,000 रुपए की लागत से 3-पॉइंट सिस्टम, सामुदायिक केंद्र, सीवरेज, जलघर, वृद्ध आश्रम, आंगनवाड़ी केंद्र, खेतों के रास्ते, पक्के व स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसके पहले गांव बीड़ भादसों में करीब 95,00,000 रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर, एससी शमशान घाट, दोनों शमशान घाट के रास्ते, गांव की फिरनी, एससी चौपाल, बरसालू वाला रास्ता, शमशान घाट में टाइलें व गांव की पक्की गलियों का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन किया है। जो समस्याएं गांव की शेष है उसे अगली योजना में प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद गांव का रहने वाला हूं और गांव की समस्याओं को भली प्रकार से जानता हूं। बीते 5 वर्षों में किसी भी गांव में पार्टीबाजी नहीं होने दी और आपसे समझौते में मामलों को सुलझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि गांव इंद्रगढ़ इंद्री के साथ लगता गांव है, इसलिए यहां के कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विमिंग पूल भी बनाया जा रहा है जो इस वर्ष के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में इंद्रगढ़ को 5-स्टार की श्रेणी में शामिल किया गया है जिसके कारण इस गांव में और भी सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि प्रदेश की भ्रष्ट व्यवस्था में परिवर्तन किया है और मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। प्रदेश में चल रही जन आशीर्वाद यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, सीएम को जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। इस यात्रा का समापन रोहतक में 8 सितंबर को होगा। यहां पर प्रदेश के करीब 3,00,000 पन्ना प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार सुनेंगे। आज अपने इंद्रगढ़ गांव में 2,67,00,000 रुपए के कार्यों का जैन आज उद्घाटन किया गया है और ये छोटा गांव है लेकिन बड़ा अच्छा, यहाँ अच्छे लोग रहते हैं और अपने गांव को साफ सुथरा रखने में भी सब लोग अपनी भूमिका अदा करते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि ये गांव जो है अभी जो स्वच्छता के अंदर जो है ना 5-स्टार जो है ना इसको मिले हैं और गांव के अंदर जिस प्रकार से लोगों ने जब भी डिमांड किया, चाहे वो बरातघर किया, जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं बरातघर की बिल्डिंग है और यहाँ के गाँव के सरपंच ने गाँव के अंदर जो है ना सीवरेज दबाने का काम किया है। यहाँ हमने एक सब डिवीजन लेवल का एक जो अपना स्टेडियम वो हमारा बन करके तैयार हो गया, अभी उसमें स्टाफ जो है ना डेपोट करने के लिए कार्रवाई चली हुई है। जो ही स्पोर्ट डिपार्टमेंट के हैंड ओवर वो हो जाएगा तो यहाँ कोच वगैरह आकर के और बच्चों को जो है ना वो ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से खेलों में प्रदर्शन करना है। तो इस प्रकार से आज ये 2,67,00,000 रुपये के आज के जो सारे काम थे उनके आज जो है ना यहाँ उद्घाटन किए गए हैं ताकि जो है ना उनको लोग ठीक प्रकार से उनका उद्घाटन करने के बाद उन चीज़ों का प्रयोग कर सके, चाहे वो बरातघर की हो, चाहे वो चौपाल हो, चाहे और अन्य प्रकार की सुविधाएं हो, तो ये इस प्रकार के आज जो है ना उद्घाटन किए। देखिए यात्रा तो अब एक जो है ना जन आंदोलन बन चुका है, आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो भीड़ दिखाई जा रही है, इतनी अपार भीड़ उस जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ कर सामने आ रही है कि एक पूरे प्रदेश के अंदर पूरा प्रदेश ही ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा में हो गया हो। और 8 तारीख को इसका समापन रोहतक के अंदर होगा, उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम में शिरकत लेंगे और उस कार्यक्रम में जितने भी हमारे बूथ लेवल पर हमारे पन्ना प्रमुख हैं वो पन्ना प्रमुख उसका कार्यकर्ता सम्मेलन उस दिन जो है ना रोहतक के अंदर होगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ संबोधित करेंगे। देखिए अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं,
और लोग भी आज ये खुद कहने लगे हैं कि हमारी जो समस्याएं थी गांव की समस्याएं, वो लगभग जो है ना हमारी समाधान सरकार ने निकाल दिया। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे इलाके में इस सरकार के दौरान जितना बड़ा अमाउंट जो है ना डेवलपमेंट के नाम पर खर्च किया गया, लगभग 1300 करोड़ के आसपास, आज तक अगर आप रिकॉर्ड निकलवाओगे पिछली सरकारों का, तो कभी भी इतना पैसा जो है ना उस पूरे कार्यकाल में खर्च नहीं हुआ जितना 5 साल में जो है ना मनोहर लाल जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने इन 5 साल के अंदर यहाँ इस इलाके में खर्च किया है। नहीं तो इस टाइम विश्व स्तर पर जो मंदी चली हुई है, हमारा तो फिर भी जो है ना GDP 6% पर है, नहीं तो विश्व में कहीं 2% कहीं 3% इस प्रकार से GDP जो है ना बहुत डाउन है। हमारी GDP ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी सॉलिड है और 5000 जो है ना अरब डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केंद्र सरकार जो है ना इसके लिए प्रयास कर रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाए कि हम दुनिया के देशों में सबसे ज़्यादा मजबूत हमारा देश, तो इसके लिए केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है। कैबिनेट की मीटिंग में कुल मिलाकर के 38 तो एजेंडे पहले से थे और लगभग 7-8 एजेंडे जो है ना टेबल एजेंडे थे। तो इस प्रकार के जो एक बहुत लंबे 3-4 दिन से अपने स्वीपर्स की जो है हड़ताल चली हुई थी उसके बारे में फैसला ले लिया गया। उनकी मांग थी कि हमें जो है ना पालिका मस्टोल पर जो है ना लिया जाए, तो उनकी मांग जो है ना वो मान ली गई है। और भी कई प्रकार की कुछ रीएम्प्लॉयमेंट थी, कुछ और अन्य प्रकार के, उसमें नारायणगढ़ शुगर मिल का मामला भी था जो किसानों से जुड़ा हुआ है, और उस नारायणगढ़ शुगर मिल का लगभग 60 करोड़ रुपया जो किसानों को देना, तो सरकार ने तय किया कि ये पैसा सीधा किसानों के खाते में हम जमा कराएंगे और उस मिल को टेक ओवर करने की जो है ना प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार उसको टेक ओवर करके स्वयं उस मिल को चलाएगी ताकि जो है ना किसानों की समस्या थी भुगतान को लेकर तो सभी का समाधान हो गया क्या? कल सिर्फ नारायणगढ़ का था, बादशाह की भी हमने बात करी थी, बादशाह की जो है ना मीटिंग हो चुकी है, वो सारा बात हो चुकी है। लगभग जो है ना बुधवार या वीरवार तक शायद उनका वो लोन क्लियर हो करके और जो है ना वो पैसे भी हमारे किसानों को जो है पेमेंट जो बकाया उनका भुगतान भी हो जाए। फायर कर्मी भी हड़ताल कर रहे जी, उनकी भी मांग मान ली, जो उनकी मांग थी ना नगर पालिका और फायर कर्मी सारों की मांग मान करके उनको नगर पालिका मजदूर बस हो गया। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।